नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे आपको एनी एफ रो प्रोसेसिंग के माध्यम से जो है आप किसी इमेज को जो है आप एडिट कैसे कर सकते हो, या फिर एक इमेज को कर सकते हो या सभी को कर सकते हो, या फिर इमेज जब एडिट करते हैं तो क्या क्या आपको ऑप्शन मिलते हैं, क्या क्या आप उस इमेज को एडिट करने में आप क्या क्या ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हो, क्या क्या आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, वो सभी जानकारी जो है इसमें लेंगे। जैसे मान लो उसके लिए जो है आप अगर एडिट करना चाह रहे हो किसी इमेज को, तो आपको जो है वो इमेज रो में खींचनी चाहिए, तब जाके जो वो एडिट होगी। क्योंकि कैमरा क्या करता है, किसी भी चीज़ को जब एडिट करेगा तो उसको कच्चा जो है आपको डेटा चाहिए। अब रो इमेज जो है वो मतलब उससे एडिट करके एक जेपीजी फाइल अपने को जो है नई फाइल मिलती है, और वो उस फाइल में कोई आपको चेंजिंग नहीं मिलता है, मतलब उसमें कोई मतलब आपका चेंज नहीं होता है। वो फाइल एज इट इज़ आप कहीं की कई बार जो है उसको एडिट कर सकते हो, उसे एक नई फाइल बन के जो है आपको कैमरा दे देता है। तो इस तरह से जो है आप कैसे करते हैं वही चीज़ समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये मैंने कैमरा लगा रखा है, और ये मैंने ये जैसे आप इमेज देख रहे हो, तो ये जैसे मान लो मैं ये खींचता हूँ, एक इमेज खींच लेता हूँ, जैसे इसी सेटिंग पे खींच लेता हूँ, जैसा आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये मैंने फ़ोटो खींची और ये फ़ोटो आई जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ये फ़ोटो है, ये देखिए। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि ये अंडर है, बहुत अंडर है। ठीक है, ये अंडर फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो है। अब अपने इसको जो है अपन एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेन्यू का बटन प्रेस करोगे। मेन्यू का बटन प्रेस करने के बाद में ये सेट ये मतलब मेन्यूज़ खुल जाते हैं आपके सामने। इसमें आपको जो है रिटच मेन्यू में जाना है। जैसे ये रिटच मेन्यू का ऑप्शन है, रिटच मेन्यू में जैसे ही आप अंदर आओगे तो इसमें ये पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको, एनी एफ रो प्रोसेसिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसको जैसे ही आप ओके करोगे, ओके करने के बाद में ये तीन ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, सेलेक्ट सेलेक्ट इमेज सिंगल, सेलेक्ट डेट भी आप जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। उस डेट के हिसाब से भी आप किसी फोटो को पकड़ना है तो आप डेट भी जो है डेट के हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो है आपको सेलेक्ट ऑल इमेज, सारी इमेज सेलेक्ट करनी है तो सारी भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं सिंगल फ़ोटो जो है आपको अगर एडिट करनी है तो सिंगल करता हूँ, सिलेक्ट इमेज सिंगल में जाऊँगा। सिंगल में जाने के बाद में जैसे ये देखिए, ये मेरे पास में एक ही फ़ोटो है इस कैमरे में, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए ये दिख रहा है सेट, सेट करने के लिए माइनस का जो ऑप्शन है इसको माइनस में क्लिक करेंगे, ये राइट का चिन्ह हो गया, मतलब ये जो है आपका सेलेक्ट हो गई है। सेलेक्ट होने के बाद में ओके, ओके करने के बाद में ये प्रोसेसिंग होगा, और उसके बाद में ये देखिए इस तरह से जो है आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे ये आपका पहला जो ऑप्शन मिलता है आपको इमेज क्वालिटी का, आप इमेज क्वालिटी कौन सी रखना चाह रहे हैं, फाइन रखना चाह रहे हैं या फिर बेसिक, वो जेपीजी बनेगी, जेपीजी बेसिक, जेपीजी नॉर्मल और जेपीजी फाइन। मैं जेपीजी फाइन कर लेता हूँ। उसके बाद में इमेज साइज, इमेज साइज में आपको लार्ज करनी है, मीडियम करनी है या स्मॉल करनी है। ठीक है, तो लार्ज रखते हैं इसमें भी। इसके बाद में ये वाइट बैलेंस, वाइट बैलेंस जो है मैं इसमें सेट कर सकता हूँ इस तरह से, जो मैं जैसे जैसे मैं वाइट बैलेंस जो है मतलब चेंज करता रहूँगा तो मेरी इमेज में जो भी है वो इफेक्ट दिखता रहेगा। जैसे ये देखिए इस तरह से जो आप कर सकते हो, प्री सेट भी कर सकते हो, केल्विन में जाके जो आप केल्विन भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं अगर जैसा मेरे को लगे कि हाँ यार यहाँ पे मैं मेरा सही है तो वहाँ पे जो है मैं वो ही केल्विन रख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है मैं अपन रख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 5000 केल्विन है तो मैं लगभग हाँ ये 5560 केल्विन रख लेता हूँ। ठीक है, इसमें जो है आप ये टोन भी जो है इसको आप कर सकते हो। जैसे येलो टोन देनी है तो येलो टोन आप दे सकते हो, या रेड टोन देनी है, मतलब किसी तरह से आपको जो जो टोन देनी है वो टोन जो है यहाँ से जो है आप दे सकते हो इस तरह से। जैसे मान लो मेरे को ये यहाँ पे येलो टोन देनी है तो इसको जो है मैं ओके कर दूंगा, ये हो गया। अब आपको जो है एक्सपोजर कंपोजिशन से जो है आप अंडर ओवर कर सकते हो, जैसे आप टू स्टॉप तक ओवर कर सकते हो, टू स्टॉप तक तो जो है अंडर कर सकते हो, मतलब प्लस टू स्टॉप कर सकते हो, माइनस टू स्टॉप कर सकते हो। जैसे ये मैं माइनस कर सकता हूँ, या फिर मेरे को प्लस करना तो प्लस कर सकता हूँ। जैसे अपने को दिख रहा है कि ये अंडर है तो मैं इसको जो है ओवर कर लेता हूँ, जैसे ये कर लिया जी मैंने, ये टू स्टॉप तक तो ओवर कर लिया। ठीक है, मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद में जो है ये सीट पिक्चर कंट्रोल भी मैं इसको जो है चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये पिक्चर कंट्रोल में मेरे को चेंज करना, जैसे ये मैं मतलब ये देखिए ये विवोइड हो गया,
ये आपका नेचुरल हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया, ये ऑटो हो गया, ठीक है। और ये मोनोक्रोम, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो, ठीक है। ये पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, ये फ्लैट फीचर कंट्रोल हो गया। इस तरह से जो है आपको अलग अलग ये जो है बाकी आपके जो अलग अलग और भी मिलते हैं, जैसे पॉप हो गया, इस तरह से जो आपको 28 प्रकार के इसमें अलग अलग मिल जाते हैं। जैसे मैं लो, मेरे को यहाँ पे करना है जी वीवोइड करना है, ये वीवोइड जो है ओके कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में जो है ये आपको हाई ISO NR जो है आपको चेंज करना तो कर सकते हो, ठीक है। अंदर आओगे तो ये लेवल बता देता है, हाई रखना है, नॉर्मल रखना है, या फिर लो रखना है, या ऑफ रखना है। जैसे मान लो मैं जो है इसमें नॉर्मल रख लेता हूँ, ठीक है। ये कलर स्पेस में जो जो जैसे ये sRGB और Adobe RGB, अगर आपको इंटरनेट के लिए चाहिए तो sRGB रख सकते हो, अगर आपको प्रिंट देना है, इस इमेज को प्रिंट निकालना है, तो Adobe RGB जो है आप चुन सकते हो। जैसे Adobe RGB में ले लेता हूँ। अब इसमें ये आता है विग्निटी कंट्रोल का, आप जैसे इसमें भी अलग अलग ये लेवल दिखाते रहता है, हाई, नॉर्मल और ये लो, इस तरह से अगर रखना है तो जो ओरिजिनल अपने को चाहिए वो रख लेते हैं, ठीक है। ये अलग अलग आपको अगर आपको करने हैं तो इसमें भी अलग अलग जो है ये ऑप्शन दे देते हैं, इसमें डिफरेंशन कंप्रेशन का, ठीक है। ऑफ रख लेते हैं इसमें अपने को। एक्टिव डी लाइटिंग, इसमें भी आपको अलग अलग आपका लेवल दिखाता है कैमरा, हाई टू, हाई वन, हाई, नॉर्मल और लो, और जो है ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हाईलाइट्स दिखा देता है, इसमें हाईलाइट्स आ जाते हैं, जैसे हाईलाइट्स हो या अंडर हो, तो वहाँ पे भी जो है आपको कैमरा क्या करता है, उसमें आपको डिटेल मिल जाती है, ठीक है। अगर मैं हाई वन करता हूँ या हाई टू, जैसे मान लो मैं हाई कर लेता हूँ, नॉर्मली हाई कर लेता हूँ, या नॉर्मल कर लेते हैं, या हाई कर लेते हैं, ठीक है, हाई कर दिया मैंने यहाँ पे आके। अब आपको सारी सेटिंग आपने चेंज कर दी हैं, फिर आपको जो है ये प्रोसेसिंग करनी है, EXE पे जो आके ओके ओके प्रेस करना है। जैसे मान लो मैं ये ओके कर दिया, ये प्रोसेस हो रहा है सामने आपके, इमेज सेव्ड, ये देखिए साहब, ये इमेज मेरी जो है कंप्लीट तैयार हो गई है। ये ओरिजिनल इमेज थी मेरी, और ये मैंने एडिट करके ये इमेज जो सामने आपके रिजल्ट है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए साहब, ये आपके सामने रिजल्ट है। और इसकी जो ओरिजिनल इमेज अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये ओरिजिनल इमेज है, इसमें आपको डिटेल नहीं मिलेगी, कहीं पे भी कुछ डिटेल नहीं है, ठीक है ना। और इस तरह से जो है ये मैंने जो एडिट करके जो है आपको सभी जगह जो है आपको डिटेल मिल रही है, ये देखिए, बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से जो है आप ये आप एडिट कर सकते हो इमेज को। अब जैसे मैंने ये एक इमेज फाइल सेलेक्ट करी, इस तरह से आप ऑल कर सकते हो, एक में अप्लाई करोगे तो वो सारी की सारी जो सेटिंग आपने चेंज करी है वो सारी इमेज में जो है अप्लाई हो जाती है। तो वो ऐसे इस तरह से जो अगर आपको अगर लगे कभी कि आपने JPG अगर मतलब अगर आप रो इमेज शूट करते हैं और लगे कि यार मेरी जो सेटिंग है वो हो सकता है मेरी गलती से हुआ हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, आपने जो है वो अंडर खींच खींच के आ गए हैं, या फिर ओवर खींच के आ गए हैं, तो इस तरह से जो आप एडिट करके सारी इमेज को एक साथ जो है आप सही कर सकते हो, इन कैमरा कर सकते हो, ये होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हैं वो मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।